अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया मेरा बना दिया ब्लॉग में। तो ये बनने जा रही है हलीम। तो थोली भिगा दिया है, कुटे हुए गेहूँ की, चार किस्म की दाल है, चने की, मसूर, तुअर और ये मिक्स। तो चलो अब हम इसे उबालते हैं। हल्दी नमक डाल के इसे हमें 5 सीटी लगानी है। अदरक लहसुन का पेस्ट पीस गया है, हमारी सब मिक्स दाल हो गई है। और हरी मिर्ची प्याज लिया, इसको पीसना है। इसे भी मुझे हल्दी नमक डाल के उबालना है। और मेरे एक भाई ने पूछा था कि ये डेगची मैंने कहाँ से ली। तो भाई ये डेगची मैंने ली नहीं थी, मेरे दहेज में गिफ्ट आई थी, मेरी खाला ने दी थी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, पकाने का सिलसिला चालू करते हैं हलीम का। तेल गरम कर लिया है मैंने, अभी हम डालेंगे खड़े मसाले इसके अंदर, क्योंकि इसके लिए चाहिए देखो 1 किलो घोसे। ये मैं डाल रही हूँ इसमें। पहले मैं प्याज काट के बनाती थी बारीक बारीक, लेकिन अब सिस्टम चेंज किया मैंने। हरी मिर्ची लौंगिया है, ये बहुत तीखी होती है, ये सब इसमें भी पूरा पड़ेगा। तो ये थोड़ा सी हो जाए, हो गया है। डालने जा रही हूँ बोस, ताकि खिसलानीपन ना रहे इसके अंदर, फेंक ना रहे वो पानी सूखे तक। प्याज से ऐसे भी कोई भी चीज़ मीठी हो जाती है, तो मीठा सलन बनाने के लिए उसका ट्रिक अलग होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसको हम डाल के हिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद हम ये डालेंगे टमाटर, तो अब डालूंगी नहीं क्योंकि 140 रुपये किलो है। तो अब ये दही पड़ेगी और दाल वगैरह में खटाई। तो अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ। और ये हमारे वही रोज डेली के गरम मसाले, मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। ये सब चीज़ उबालने में हमको नमक डालना पड़ेगा, डालना चाहिए ताकि इसके अंदर नमक आ जाए। ये प्याज बाकी है बिरिस्ते के लिए, कोथमीर, पुदीना, नींबू। तो हमारी रेसिपी तैयार, झटपट बनने वाली हलीम। ये अच्छे से गल गई है हमारी दाल। अब ये डेगची में हमको उतारनी है। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ पकती जाएगी इसमें उतार के अच्छा से इसको हमको पकाना है। कोयला था मेरे पास, पता नहीं कहाँ चला गया। सफ़ी को बोला था कोयला ला के दे, कोयले के बगैर मारती तो बिल्कुल एकदम डेग जैसा खाना पकता, जैसा बाहर भटियारे पकाते हैं। तो ये हमारा देखो गोश्त हो रहा है, बस ये तेल थोड़ा और ऊपर आ जाए। तो ये प्याज और मिर्ची, मिर्ची हरी इसलिए डालूँ तीखा अच्छा लगता है। हम ये डालने जा रहे हैं अब प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको हम सीटी लगाएंगे 5 से 10 मिनट तक। सारे मसाले छोड़ने जा रही हूँ इसमें दही के साथ, ताकि जल्दी पक के तैयार हो जाए। अब सीटी लगाने जा रही हूँ, सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और जल्दी से इसको मैं पकाऊँ ये कुकर धो के, नहीं तो अगर ये धो के बिना धो के डालूँगी तो लग जाएगा, हमारी थोली लग जाएगी गेहूँ। तैयार होने जा रहा है हमारा, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, नमक डाल दी। इसको भी 5-6 सीटी लगा के फिर हमारे डेग के अंदर सब मिक्स करके पकाऊंगी। कोथमीर, पुदीना, बिरिस्ता डालना है। ये मेरे कुकरों का सेट और डेगची। तो आप लोगों को मेरा बर्तन कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये छोटा वाला कुकर जिसमें मैं कभी कभी आलू की भाजी बनाती हूँ। तो ये खिचड़े का पदार्थ सारा तैयार हो चुका है। ये हमारा गेहूँ तैयार हो चुका है, थोली हलीम, खिचड़ा नहीं हलीम। और ये गोश्त भी भून गया है, ये सब इसमें मिक्स करना है। आपको सब दिखाएंगे, देखो वहाँ बिरिस्ता बन गया। और नींबू, नींबू, कोथमीर, पुदीना भी सब काट के रख दिया है मैंने, सॉरी निकल गया ऐसा। तो कोलसा मिल जाता ना मुझे, कोलसे हैं तेरे पास? कोलसे ना तुम भी धुआं लगाती हो मेरी अम्मी की तरह। है क्या बेटा तेरे पास? कितना गंदा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कोलसे का। पागल इंसान, ला देना एक दो। एक दो नहीं, बस एक बड़ा सी चाहिए, एक बड़ा सी ला देना। ये सब हमने गला लिया था, अबे बघार लगानी है, बघार लगानी है।
थाली में वो गरम कर देंगे और फिर कटोरी में रख के भगाल लगा देते हैं और फिर एकदम खुशबू कोयले जैसी हो जाती है। जोन अल्फा पे देख जैसा पकता है ये बन गया थाली। अब हम इसको चढ़ाएंगे गैस पे। तो मम्मी यहाँ कोयला गरम कर रहे हैं तो फिर कट। इधर मम्मी कोयला गरम कर रहे थे, नीचे गिर गया। नहीं, नहीं, देखो हम बनाने जा रहे हैं। अरे हाजिम चाहिए। अब हाथ अड़ाओगे तो कैसे दिखाऊंगा। इसमें मैंने नीचे थोड़ा सी तेल डाल दिया है, फिर हमने कटोरी रख दी, ये हमने कोयला इसमें रखा और हमको इसके ऊपर थोड़ा सी तेल डालना है ताकि धुआं अच्छे से चले। तैयार हो गया है हमारा हलीम। किचड़े में बेटा जो पड़ता है, जो ये सब हलीम में धनिया की सामग्री भी ऐड करना है। सभी खाता है कच्ची प्याज और कुछ बरिस्ता और कोच में पुदीना डालना बाकी है। तो ये तैयार हो चुका है, कोथमीर पुदीना और बिरिस्ता। तो अब हम इसको थोड़ा सी हल्का से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे मिक्स। बस ये सारा निकाल लूँ, इसमें भी डेशिंग करूँ। थेमनी थंबनेल निकालूंगा ना इसमें से। 1 किलो गोश्त था, 1 किलो दाल थी और 1 किलो हमारा वो था बंदर जैसी झगड़ बनाता है। हमारी पक्के तैयार हो गई है रेसिपी हलीम की। जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल तुम्हारा मुंह नहीं है, पनवेल आती क्या खंडाला जाने का। बस हो गया, हो गया नहीं मेरा हाथ तो हटा देते, फोटो देना है मन्ने। अब पब्लिक को पता चलना चाहिए आसिफा की बहन की वीडियो आ गई है। तो ये हमारा जल्दी पकड़ो। आज बारिश गिर रही है लेकिन हवा नहीं चल रही, देखो झाड़ वाड़ नहीं हिल रहे। थोड़ी सी बारिश गिर रही है और गर्मी तो वैसे ही है। और कितना खूबसूरत नज़ारा है, कहीं कहीं दूर जगह बहुत ज़ोरदार बारिश गिर रही होगी। तो ये देखो बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और बादल भी बहुत मतलब गूंज रहे होंगे। वहाँ साइड से दिखाता हूँ, देखो चौक भी पूरा गीला हो गया है। बच्चे तो लेट लेट के खेल रहे हैं, देखो मेरा सस्ता झरना। आज की रेसिपी थी मेरी हलीम की, तो कैसी लगी ज़रूर बताना। बारिश गिरी है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसी मेरी वीडियो मिलते रहेगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने हलीम कैसा पकाया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल फिर।